जय श्री कृष्ण, राधे राधे, श्री हरदास। और ये देखो, ये इनका नाम है चिंकी मिंकी। ये चिंकी मिंकी दोनों जो है ना, अब देखो मुझे नहीं पता ये चिंका है या चिंकी है, बट जो भी है हमारे लिए चिंकी मिंकी है। और ये दोनों अभी देखो कितने, अब इनके पंख बड़े हो गए हैं और अब ये उड़ने की तैयारी में रहते हैं। तो ये जिस छोटे स्थान में थे उस स्थान को ये बड़ा कर दिया है। ये कूलर का ना वो था, पीछे का हिस्सा जो होता है ये, उसमें घास डाल के इनको बिठा दिया है अब। और चारों तरफ से ये कूलर का ही लगा दिया है। उसका भी कारण है ये, क्योंकि अब ये पंख लगा के थोड़ा सा उड़ने की चेष्टा कर रहे हैं। मैं सोच रही हूँ इनके लिए पिंजरा अगर मैं मंगा लेती हूँ तो उसकी एक प्रॉब्लम आ रही है कि अभी ना इसके, इनकी मम्मी तो पता नहीं कि गई कहाँ, लेकिन हाँ अभी एक दो दिन से कोई और कबूतर है जो यहाँ पर आ रहा है और वो इनको जो है दाने भी खिला रहा है, वो हमने देखा है। तो मैं सोच रही हूँ कि अगर वो दाना खिला रहे हैं तो ये बहुत अच्छे से और अच्छे से इनको जो भी चाहिए वो मिल जाएगा। अगर पिंजरे में बंद कर देंगे तो वो कैसे खिलाएगा, इसलिए अब ऐसी व्यवस्था की है। अब बाकी प्रभु ही रक्षा करे इनकी। मुझे और कोई आइडिया भी समझ नहीं आ रहा कि अगर मैं पिंजरे में बंद कर दूँगी तो ये फिर उस तोते से दूर हो जाएंगे, क्योंकि हमारा मकसद सिर्फ ये है कि ये इनके पंख बड़े हो जाएं और ये उड़ उड़ जाएं अपना, जहाँ भी इनकी प्रभु ने जो प्रकृति इनकी बनाई है, और ये थोड़े पंख इनके बड़े हो जाएं। तब तक बिल्ली से भी ये बचे रहें, क्योंकि नीचे भी बिल्ली आती रहती है, तो ध्यान रखते हैं। लेकिन ये काफ़ी बड़े हो गए हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। 1 मिनट, ये देखो, आ जाओ बाबू, आ जाओ, 1 मिनट, 1 मिनट आओ, आराम से आओ, 1 मिनट, 1 मिनट। ये देखो इनके पंख, अंदर नहीं जाओ, ये देखो, आ जाओ आ जाओ, ये छुप के बैठ गए हैं। 1 मिनट, इधर आओ इधर आओ इधर आओ, प्यार से आओ, ये देखो ये बड़े हो गए हैं अब ये पहले से। और ये देखो ये देखो ये देखो, और हाँ, अब बस इनको मैं अभी पानी पिलाऊंगी बस, क्योंकि पेट तो मैं, मुझे इनका भरा हुआ लग रहा है। ये देखो इनके पंख देखो बड़े हो गए हैं ना, चिंकी मिंकी। चलिए बस बस ईशु, बस बस ये है, बस प्रभु इनके, इनको जल्दी से बड़ा कर दे और ये अपने उड़ जाएं और जो भी इनका जीवन है ये जिए, है ना। तो ये है देखिए, अब ज़रा इनको पानी पिला दे बस, बाकी तो इनका पेट मुझे बिल्कुल भरा हुआ लग रहा है। देखो यहाँ पता चल जाता है। और इनको मैंने, पता है, रात भर भिगो के चने और उनको उबाल के हमने वो भी इनको आहार में दिया था, और सिर्फ 2 ही वक्त दिया, उसके साथ साथ पानी भी हमने इनको दिया है। 2 वक्त पानी दिया, मतलब क्वांटिटी उसकी उतनी रखी, क्योंकि हमें लग रहा था अगर हम ज़्यादा इनको खिला देंगे तो भी प्रॉब्लम है। बाकी प्रभु ने इनकी रक्षा के लिए वो एक कबूतर जो आ रहे हैं उनको भी भेजा है। ये सब सब प्रभु कृपा है, सच बोल रही हूँ। ये देख, ये डराते भी हैं पता है। चलिए ठीक है जी, खूब सारा प्रेम सभी को, राधे राधे, श्री हरदास। और सब इनके लिए प्रे करना कि ये जल्दी से बड़े होके जो है अपने स्थान पर चले जाए, जहाँ भी इन्हें आज़ादी से रहना हो।